क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग क्वालिटी वीडियोस पाने के लिए आप इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल यानी आरएस एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज वीडियो को डिसलाइक करने से पहले एक बार ही आप पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं जिसे सुनकर और जिस रीजन को सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। ज़्यादातर टाइम ऐसा क्यों होता है कि जब टीम इंडिया मैचेस हारती है, चाहे वो ODI का फॉर्मेट हो या T20 का मैच हो, जब भी टीम इंडिया मैच हारती है तो इसका पूरा ब्लेम टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर लगाया जाता है और हारने का कारण बताया जाता है। तो वहीं टीम इंडिया जब भी मैचेस जीतती है, लगातार 9 मैच जीतती है ODI में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 7 मैचेस जीतती है, तो जब भी टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो इसका पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के अभी के कप्तान विराट कोहली पर दिया जाता है। ऐसा क्यों कि हार का कारण महेंद्र सिंह धोनी और जीत का कारण विराट कोहली? दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये ट्विटर पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का क्वेश्चन है और महेंद्र सिंह धोनी के समर्थकों का क्वेश्चन है। दोस्तों ट्विटर पर काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कि वो मैच जानबूझकर हारते हैं और जब भी उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो वो पीछे हट जाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, वो पूरे देश के लिए खेलते हैं और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो उन छोटी सोच रखने वालों के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें कि महेंद्र सिंह धोनी को ही क्यों ब्लेम किया जाता है। धन्यवाद।